तो दोस्तों Realme 5 Pro में और Realme 5 में एक नया अपडेट आ चुका है, तो उसी अपडेट के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो उस अपडेट में आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर Realme की तरफ से ऐड किया गया है Realme 5 और Realme 5 Pro में, तो मैं इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और आप देख रहे हैं योर व्यू। तो दोस्तों, Realme 5 और Realme 5 Pro में एक नया अपडेट आ चुका है जिसका साइज है 215 MB का। तो आप सभी को, बहुत सारे यूजर्स को ये अपडेट आप सब मिल गया होगा और बहुत सारे यूजर को अभी तक नहीं मिला होगा, तो जल्दी मिल जाएगा इस महीने के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो अपडेट है इसमें आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर और नए फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, कुछ दिन पहले इस Realme 5 और Realme 5 Pro में Realme Lab ऐड कर दिया गया था, मतलब Realme Lab का भीतर जाने से, ओपन करने से Realme Lab का, उसमें डार्क मोड आपको देखने के लिए मिलता है। तो Realme में Realme 5 Pro और Realme 5 में डार्क मोड ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग में, मतलब जो वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिलता था तो वो सिर्फ फोटो में ही मिलता था, अब वीडियो में भी मिलने लगा है। ये सारे जो अपडेट थे ये पुराने महीने के थे, तो इस महीने में आपको एक नया अपडेट आ चुका है जो कि है 215 MB का। तो मैं उसी अपडेट के बारे में आपको इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ अपडेट ये इस अपडेट में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि ये जो डिवाइस है कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, सेटिंग्स में, उसके बाद सेटिंग्स में जाने के बाद हम अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाते हैं। तो चलिए अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप देख सकते हैं डिवाइस नेम, मॉडल नंबर और कलरइज वर्ज़न, एंड्रॉयड वर्ज़न, और चलिए दोस्तों सॉफ्टवेयर वर्ज़न में। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद देखते हैं क्या कुछ फ़ीचर्स मिलते हैं। तो चलिए फीचर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल जा रहा है नवंबर का, और कैमरा में, फ्रंट कैमरा में आपको नाइटस्केप मोड ऐड कर दिया गया है और कैमरा क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। उसके साथ गेम स्पेस को भी ऑप्टिमाइज़ किया है और कुछ जो बग्स थे उन सभी को फिक्स कर दिया गया है। तो बस दोस्तों, इस अपडेट में यही कुछ था। तो जो अपडेट में यही कुछ था मैं आप सभी को दिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले।